क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार है। सौरभ गांगुली इंडियन प्रीमियर लीग की दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से छुट्टी के बाद ये पहली बार हुआ जब सौरभ गांगुली क्रिकेट से जुड़ी किसी बड़ी पोस्ट में वापसी कर रहे हैं और इस बार वो दिल्ली से काफी बड़ी जिम्मेदारी के लिए जुड़े हैं। जी हाँ, दिल्ली ने उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के पोस्ट पर नियुक्त किया है। हालांकि अभी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सूत्रों की माने तो सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो गए हैं और बस इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सौरभ गांगुली पहले भी आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम कर चुके हैं। साल 2019 में सौरभ गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर थे और इस बार उनका रोल आईपीएल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी लोगों में दिल्ली फ्रेंचाइजी की टीमों की देखरेख करेंगे दादा। और इस ऑक्शन में रिकी पॉन्टिंग के साथ गांगुली ने भी अपनी राय रखी थी और अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या गांगुली और पॉन्टिंग की जोड़ी दिल्ली को उनका पहला ट्रॉफी जिता सकती है या नहीं। आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप लोग कोविड से बचे रहें और अपना ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।